नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र में भारत माला परियोजना के नाम पर ठेकेदार द्वारा करीब 100 ट्रैक्टर खुदबूत करने का मामला सामने आया है। खुदबूत ट्रैक्टरों की बरामद करने की मांग को लेकर 3 युवक आज चुरावाली गाँव में पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि एक व्यक्ति ने भारत माला सड़क परियोजना का ठेकेदार बनकर ग्रामीणों से संपर्क किया और ग्रामीणों ने उनको नए ट्रैक्टर खरीद कर दे दिए। शुरुआत के 2 महीने किराए देने के बाद वह व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया है। झालावाड़ में आज मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों ने उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर आरएसएल डीसी के माध्यम से नियुक्ति देने और सम्मानजनक वेतन देने की मांग को लेकर 2 घंटे सांकेतिक हड़ताल कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान ठेका कर्मचारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल से रैली निकालकर मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर से जुड़े मामले में जोधपुर हाईकोर्ट सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसमें 7 सालों के बाद एक बार फिर से इस मामले में सुर्खियां बटोर ली हैं। जोधपुर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 302 में दोषी का प्रसंज्ञान लिया है। आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह ने बताया कि 7 साल बाद परिवार व समाज सहित सावराद आंदोलन प्रकरण में शामिल रहे लाखों लोगों की जीत हुई है। आगार के कर्मचारियों ने झालरापाटन बस स्टैंड पर खड़े निजी वाहनों का विरोध कर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। झालावाड़ आगार रोडवेज डिपो के कर्मचारियों ने बताया कि कुछ दिन से झालरापाटन बस स्टैंड पर निजी वाहनों द्वारा अपने वाहन लगाए जा रहे हैं, जबकि उनके पास ही प्रशासन द्वारा निजी बस स्टैंड बना रखा है, लेकिन फिर भी यह निजी वाहन वाले दादागिरी करके बस स्टैंड परिसर पर वाहन खड़े करते हैं, जिससे रोडवेज बस के पैसेंजर को असुविधा हो रही है, साथ ही रोडवेज प्रशासन को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। शराब नीति घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत अब 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हुए पदभार ग्रहण किया। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, विधायक मनोज भाकर, अभिमन्यु पूनिया, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। राजनीति के गलियारों में इस समय बयानबाजी का दौर जारी है। पहले आदिवासियों पर मदन दिलावर का बयान, जो उसके बाद राजपूतों पर हरीश चौधरी का बयान काफी चर्चाओं में रहा। वहीं अब सूरजगढ़ से विधायक श्रवण कुमार का साधु संतों पर दिया बयान विवादों में आ गया है। श्रवण कुमार के बयान के बाद देश भर के साधु संतों ने बयान की निंदा की है। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित एनएसयूआई कार्यक्रम में सचिन पायलट ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि हवा पानी और नौजवान अपना रास्ता खुद तलाश लेते हैं। सुनिए सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। पेपर लीक पे मेरा जो स्टैंड रहा, मैं कल भी उस पर कायम था, आज भी कायम हूं और हमेशा कायम रहूंगा। कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने जाने अनजाने में हजारों लाखों बच्चों के भविष्य खिलवाड़ किया है, तो किसी ने सही कहा कि हर गलती सजा मांगती है। अगर आप गलती करोगे, आपको सजा मिलनी चाहिए। और नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े अधिकारी हो, कितने पूंजीपति हो, आप नौजवान के भविष्य खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये पेपर लीक होते कैसे हैं, करवाने वाले कौन हैं, और कागजी कार्रवाई से, भाषण देने से, घड़ियालों आंसू बहाने से नहीं होगा। आप उन लोगों को पकड़ो जो इसके पीछे बैठे हुए हैं। हमें मजबूर करना पड़ेगा साथियों, हमें मजबूर करना पड़ेगा देश के लोगों को जो सत्ता में रहते हुए इस घिनौने अपराध को बर्दाश्त करते हैं। मैं आरोप ही नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो लोग ऐसे अपराध को बर्दाश्त भी कर रहे हैं वो उतने ही गुनहगार हैं। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, तो इस दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश भी दर्ज की गई, जिसके चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मानसून अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी से छूट दी है। बजट में इस ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया है। इसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते 3 दिनों की बात करें तो सोने की कीमतों में 4,050 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी की बात की जाए तो 1,800 रुपए प्रति किलो चांदी की गिरावट दर्ज की गई है। डिजिटल बुलेटिन की ये आज की बड़ी खबरें थी। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।